नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। धर्मनगरी से केजरीवाल ने फूका चुनावी बिगुल, ऑटो टैक्सी चालकों के लिए की 4 घोषणाएं, रोड शो में दिखाई ताकत। आम आदमी पार्टी के संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने धर्मनगरी हरिद्वार में चुनावी बिगुल फूंक दिया है। केजरीवाल ने हरिद्वार में ऐलान किया है कि अगर उत्तराखंड में आपकी सरकार बनती है तो हर उत्तराखंड के लोगों को फ्री में तीर्थयात्रा कराएंगे, जिसके बाद केजरीवाल ने रोड शो निकाला। यह रोड शो पुराने रानीपुर मोड़ से शुरू होकर शंकर आश्रम तिराहे तक निकाला गया। हिंदुओं को अयोध्या, मुस्लिमों को अजमेर, सिखों को करतारपुर साहिब की फ्री में कराएंगे यात्रा। एक दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हरिद्वार पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ऑटो और टैक्सी चालकों से संवाद किया। इसके बाद केजरीवाल ने ऑटो पर खुद आपका पोस्टर लगाया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो दिल्ली की तर्ज पर यहां भी तीर्थ यात्रा योजना लागू की जाएगी। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव दिसंबर में आएंगे उत्तराखंड, निकालेंगे रथ यात्रा। समाजवादी पार्टी भी उत्तराखंड में आगामी चुनाव 2022 की तैयारियों में जुटी है। इसी को लेकर आज हल्द्वानी में सपा प्रदेश अध्यक्ष सत्यनारायण सचान ने गोरखाली समाज के कुछ लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाई है, तो वहीं आगामी 15 से 20 दिसंबर उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करा दी जाएगी। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के साथ अभद्रता और गाली गलौज, अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के साथ सोमेश्वर क्षेत्र के पत्थरकोट गांव में बीते शनिवार को एक शादी समारोह से लौटते वक्त अज्ञात युवकों द्वारा उनके साथ ही गाली गलौज व अभद्रता किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि क्षेत्र के कुछ युवकों ने बीच सड़क में गाड़ी खड़ी कर उनका रास्ता रोका और अभद्रता करते हुए गाली गलौज की। वहीं इस मामले में कैबिनेट मंत्री की सुरक्षा में तैनात अमरनाथ सिंह ने राजस्व पुलिस क्षेत्र क्वेराली में 8 से 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। आपको नसीब नहीं होगी राजनीतिक जमीन, केजरीवाल के दौरे पर गोदियाल ने साधा निशाना। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज हरिद्वार में रोड शो किया, जहां हजारों की संख्या में लोग रोड शो में शामिल हुए। अरविंद केजरीवाल के दौरे पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का निशाना साधा है। गोदियाल ने कांग्रेस के शासनकाल में विकास कार्य हुए हैं, जिसकी वजह से अब उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड में कहीं भी राजनीतिक जमीन नसीब नहीं होगी। 22 नवंबर को बंद होंगे मदमहेश्वर के कपाट। शीतकाल में गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में होगी पूजा अर्चना। पंचकेदारों में द्वितीय केदार के नाम से विश्व विख्यात भगवान मदमहेश्वर के कपाट सोमवार को पौराणिक परंपराओं के अनुसार सुबह 8 बजे वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ शीतकालीन के लिए बंद कर दिए जाएंगे। कपाट बंद होने के बाद भगवान मदमहेश्वर की चल विग्रह उत्सव डोली अपने धाम से रवाना होगी। विभिन्न यात्रा पड़ावों पर श्रद्धालुओं को आशीष देते हुए प्रथम रात्रि प्रवास के लिए गोंडार गाँव में होगा। 25 नवम्बर को शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में विराजमान होंगी। शहीद दीपक नैनवाल की पत्नी लेफ्टिनेंट ज्योति नैनवाल पहुंची देहरादून, परिवार में खुशी का माहौल। शहीद नायक दीपक नैनवाल की पत्नी ज्योति नैनवाल आज देहरादून के हर्रावाला स्थित अपने आवास पहुंची। इस दौरान ज्योति नैनवाल को बधाई देने वालों का तांता लगा। शहीद दीपक के परिजनों के लिए ये वाकई में गौरवान्वित करने वाला पल है। बागेश्वर में महिलाओं ने पेश की दावेदारी, बता रहे समर्पित कार्यकर्ता। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां जोरों शोरों से तैयारियां कर रही हैं। इसी के साथ चुनाव के नजदीक आते ही दावेदारों की फौज भी बढ़ने लगी है। आपको बता दें कि राज्य के बनने के बाद ही किसी भी राष्ट्रीय दल ने बागेश्वर सीट में महिला को उम्मीदवार नहीं बनाया था, लेकिन इस बार बागेश्वर सीट से दोनों दल यानी बीजेपी और कांग्रेस से महिलाओं की दावेदारी भी सामने आई है। हरदा के उत्तराखंडियत बचाने की मुहिम को आगे बढ़ाएंगे लोक गायिका माया उपाध्याय। लोक गायिका माया उपाध्याय हरदा आला दोबारा गाने के प्रदेश में काफी सुर्खियां बटोर रही है। वहीं अब माया हरीश रावत के उत्तराखंडियत बचाने की मुहिम को आगे बढ़ाने जा रही है। फोक गाने के माध्यम से वह लोक संस्कृति को बढ़ावा देंगी, जिसकी शुरुआत वह कुमाऊं से करने जा रही है। अपनी इस मुहिम के तहत माया लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ साथ कोरोना काल में जिन कलाकारों का बुरा हाल हुआ है उन्हें भी अपनी मुहिम से जोड़ेंगी। रामनगर पहुंचे कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर की समीक्षा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने आज नैनीताल जिले के स्वास्थ्य महकमे के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें तय किया गया कि 15 दिसंबर तक 18 से ऊपर की उम्र के लोगों को वैक्सीन की दूसरी लगा लेनी चाहिए। साथ ही उन्होंने रामनगर की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को भी एक हफ्ते में सही करने का आश्वासन दिया। धन सिंह रावत ने कहा कि उनकी सरकार 1,00,000 लोगों को मोतियाबिंद का ऑपरेशन फ्री में करवाएगी। गर्भवती महिलाओं के लिए भी सौगात की बात धन सिंह रावत ने कही। पांडुकेश्वर स्थित योग ध्यान बद्री मंदिर में विराजमान हुए देव डोलिया, 6 महीने यही होगी पूजा अर्चना। कहीं गुजरे जमाने की बात न हो जाए, ढोल दमाओं हुनरमंदों का हो रहा मोह भंग।
उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में शादी समारोह से लेकर अंतिम संस्कार, पूजा पाठ, पांडव नृत्य के अवसर पर बजाए जाने वाले ढोल दमाओ वाद्य यंत्रों की आवाज तो आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन थाप पर लोग जमकर नृत्य करते दिखाई देते हैं। लेकिन सरकार की बेरुखी के कारण अब ढोल दमाओ बचाने का हुनर रखने वाले कलाकारों के रोजी रोटी का संकट गहरा रहा है। यही कारण है कि अब ढोल दमाओ बजाने वाले कलाकार इस पेशे से मुंह मोड़ रहे हैं। नाबालिग का किडनैपर, देहरादून से गिरफ्तार, लड़की को परिजनों के सुपुर्द किया। जनपद के नौगांव चौकी पुरोला थाना के अंतर्गत करीब 10 दिन पूर्व नाबालिग बेटी के अपहरण होने की पिता ने तहरीर दी थी, जिस पर पुरोला थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी। पूछताछ और शक के आधार पर मिले सुराग के जरिए पुलिस ने भाटिया बड़कोट के आरोपी युवक 40 वर्षीय को गिरफ्तार किया है और नाबालिग को परिजनों के सुपुर्द किया। ट्रेन में हुई चोरी का खुलासा, जीआरपी पुलिस ने आरोपी को हापुड़ से दबोचा। ट्रेन में चोरी करने वाले आरोपी को जीआरपी पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर उसे जेल भेज दिया है। बता दें कि 9 अक्टूबर को यात्रा के दौरान एक यात्री के सामान और मोबाइल पर अज्ञात चोर ने हाथ साफ कर लिया था, जिसको लेकर पीड़ित महिला ने लक्सर जीआरपी थाना में तहरीर दी थी। बागेश्वर में एंगलिंग की हुई शुरुआत, रोजगार और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। विश्व मत्स्य दिवस पर रोजगार एवं पर्यटन संबंधी गतिविधियों को स्थानीय स्तर पर बढ़ावा देने के लिए बागेश्वर में एंगलिंग कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस एक दिवसीय कार्यक्रम के तहत पर्यावरण संरक्षण के अनुकूल मछलियों के संरक्षण एवं संवर्धन को सुनिश्चित करने के लिए जिले में एंगलिंग की गतिविधियों को बढ़ावा देने पर विचार किया गया। इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर एंगलिंग संबंधी गतिविधियों करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। लैंसडाउन में व्यापारी पर फायरिंग मामले में नया मोड़, घटनास्थल से गोली का खोखा और हथियार बरामद। लैंसडाउन थाना क्षेत्र में बीते 17 नवंबर को फतेहपुर में एक व्यापारी पर बदमाशों ने फायरिंग की थी, जिसमें व्यापारी गंभीर रूप से घायल हो गया। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया। इस दौरान घटनास्थल से हमले में प्रयोग किया गया धारदार हथियार और एक गोली का खोखा बरामद हुआ है। शादी समारोह से लौट रहे ग्रामीण पर भालू ने किया हमला, एक हफ्ते में तीसरी घटना। चाकीसैंण तहसील क्षेत्र में भालू के हमले की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। बीते एक सप्ताह में भालू ने 3 हमलों में 3 ग्रामीणों को घायल कर दिया है, जिसमें से एक गंभीर रूप से घायल महिला का इलाज ऋषिकेश एम्स में चल रहा है। शनिवार को भालू ने एक महिला और पुरुष में हमला कर उन्हें घायल कर दिया है। 67 साल बाद गांव में विराजेंगे देवचालदा महासु देवता। ग्रामीणों ने देवता को लाने के लिए किया प्रस्थान। 67 वर्षों के बाद खत समालटा में चालदा देवता के आगमन को लेकर ग्रामीणों में खुशी का माहौल है। आज देवता को लाने के लिए समालटा गांव से 400 ग्रामीणों ने मोना गांव के महासु मंदिर के लिए प्रस्थान किया। अवैध शराब के खिलाफ महिलाओं का प्रदर्शन, हल्दोचौड़ पुलिस चौकी का किया घेराव। ग्रामीण इलाकों में अवैध शराब और अवैध नशे के कारोबार से परेशान महिलाओं और स्थानीय लोगों ने आज हल्दोचौड़ पुलिस चौकी पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और अवैध नशे के कारोबार पर लगाम लगाने की मांग उठाई। महिलाओं का आरोप है कि जयपुर बीसा ग्राम पंचायत के अलावा कई ग्राम पंचायतों में धड़ल्ले से कच्ची शराब बेची जा रही है। आक्रोशित महिलाओं के चौकी के घेराव की सूचना पर लालकुआं कोतवाली प्रभारी संजय कुमार मौके पर पहुंचे और इस संबंध में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया, तब जाकर महिलाएं शांत हुई। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।